नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी जड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि तंत्र मंत्र में बहुत बड़ा काम करती है। जो लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र में हमें आज तक सफलता नहीं मिली, हमने तमाम सिद्धि साधना करके देख ली, लेकिन आज तक किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मेरे द्वारा बताई गई ये जड़ी का प्रयोग करके आप जिस किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप करेंगे, आपको उस शक्ति का आभास होगा, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, वो जड़ी आप एक बार देख करके पहचान लो। वो जड़ी इतनी चमत्कारी जड़ी है दोस्तों, इस जड़ी को आप कहीं भी जंगल में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको खेतों के किनारे पर, जंगल झाड़ियों में, नदियों नालों के किनारे पर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। इस जड़ी को पहले आप देख करके अच्छी तरह से पहचान लो। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं जंगली चिरचिटा। एक तो आप जानते होंगे जिसे अपामार्ग, लट जीरा, चिरचिटा बोला जाता है, लेकिन ये जंगली चिरचिटा होता है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है और इस पर मोटे मोटे कांटे भी आते हैं। आपने देखे होंगे, उठा करके किसी को मार दो तो कपड़े पर तुरंत चिपक जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये इतना चमत्कारी पौधा है जो कि तंत्र मंत्र में आपको सफलता दिलाएगा। आज तक जिसको किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ और वो इसकी जड़ का प्रयोग करके उस शक्ति का अनुभव कर सकता है। लेकिन आप कहेंगे, अरे भाई ये गुरु अच्छा है जो कि तमाम उल्टी सीधी जड़ी बूटियाँ उठा करके और कुछ भी बता देता है। लेकिन मित्रों, मैं जब तक किसी भी पौधे पर अपना ट्रायल नहीं कर लेता और जब तक कुछ उसमें सफलता नहीं दिखती, तब तक मैं कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं भेजता हूँ। और मैंने इस चीज़ का अनुभव करके देखा है। शक्तियों का अनुभव तो छोड़िए, अगर आप इस पौधे पर एक क्रिया करेंगे तो आपका जो भी कार्य है 100% अगर आपका काम न हो तो मेरी गारंटी है काम भी होगा और तंत्र मंत्र में आपको सफलता मिलेगी और हर शक्ति का आपको अनुभव होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले इसे अच्छी तरह से देख करके पहचान लो। आपके जंगल में जहाँ भी मिल जाए, इसे आप किसी भी शुभ दिन में, पुष्य नक्षत्र हो उसी दिन आप थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम और एक लोटा जल और 3 अगरबत्ती और 1 बतासा ये लेकर के और आप इस पौधे के पास जाएंगे। 1 पान का पत्ता और ले जाना है। 1 पान के पत्ते पर बतासा रखें, बतासे के ऊपर कपूर की टिक्की रखें और 1 लौंग का जोड़ा रखें और उसमें आग लगा करके छोड़ दें और हाथ जोड़ करके आपको इस पेड़ से रिक्वेस्ट करनी है कि हे जंगल की वनस्पति, मुझे किसी गुरु के माध्यम से पता चला है कि आपकी जड़ से तंत्र मंत्र में सफलता मिलती है, तो मैं आपकी जड़ को प्राप्त करना चाहता हूं और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे अपनी जड़ प्रदान करने की कृपा करें। मेरे प्यारे मित्रों, और वहीं पर इस पौधे के ऊपर जो आप लोटा जल ले गए हैं उसको चढ़ाइए और हल्दी कुमकुम से उसके तिलक लगाइए। जैसे ही आप तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद में 3 अगरबत्ती जला करके और उसी पेड़ की जड़ में रख देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप अपने घर चले आइए। दूसरे दिन आप इसकी जड़ को उखाड़ करके लाइए और इसकी जड़ बहुत मोटी हो जाती है। ये अभी तो छोटा पौधा है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तो इसकी मोटी मोटी जड़ भी हो जाती है। मित्रों, ये आप देख रहे होंगे, ये मोटी है। इस जड़ के आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और टुकड़े करके आपको उसमें किसी सुई के माध्यम से होल करना है और होल करने के बाद में उसमें आप रेशम का धागा डाल करके और 108 टुकड़ों की एक माला बना करके तैयार कर लें। मेरे प्यारे मित्रों, और 1 टुकड़ा अपने अलग रखें। जब 108 इन जड़ों के टुकड़ों की माला बनके तैयार हो जाएगी तो आप उस माला से किसी भी देवी या देवता की जो भी आप साधना करना चाहते हैं, उस साधना के किसी भी मंत्र का और इस माला से एक बार जाप करके देख लो। अगर आपको
उस शक्ति का अनुभव न हो जाए और वो शक्ति आपको दिखाई न दे जाए तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, ये जंगल की चमत्कारी जड़ी एक ऐसी जड़ी है जिसका विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। जो भी जिन भाइयों ने विष्णु पुराण पढ़ा हो और वो इस जंगली चरचरा के बारे में समझ गए होंगे, या आप पढ़ के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, तंत्र शास्त्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस पर आप किसी भी सोमवार के दिन एक लाल कलावा 21 बार लपेटे लगा करके और हाथ जोड़ करके अपनी जो भी रिक्वेस्ट करके आएंगे, जिस कार्य के लिए रिक्वेस्ट करके आएंगे, वो आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। ये आजमाया हुआ टोटका है। तो सबसे पहले आप इस जड़ी की माला बना करके तैयार करें और किसी भी देवी देवता की साधना करके देखें, आपको 100% अनुभव होगा। और मित्रों, एक टुकड़ा इस जड़ी का अपने मुंह में रख करके, और जो जमीन में गड़ा हुआ धन होता है उसका जो मंत्र होता है, इस जड़ी को मुंह में रखने के बाद उस मंत्र का जाप कर देना। अगर आपके 20 मीटर के दायरे में जमीन के अंदर कहीं भी गड़ा हुआ धन होगा तो आपको इस जड़ी के माध्यम से तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर जमीन में गड़ा हुआ धन है। मेरे प्यारे मित्रों, जमीन में गड़े हुए धन को बड़ी आसानी से इससे पता लगा सकते हैं। ये जड़ी इतनी चमत्कारी जड़ी है कि इसको एक बार प्रयोग में ला करके देखिए। जमीन में गड़ा हुआ धन, तंत्र मंत्र में सफलता, किसी भी कार्य को करने की 100% क्षमता रखता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पौधा इतना चमत्कारी पौधा है कि एक बार इसका प्रयोग करिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।